यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, बीपीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर देश भर में आंदोलन चल रहे हैं। जब इलेक्शन चालू था, जब मोदी जी का ये कहना था कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो आप देख सकते हैं क्या विकास हो रहा है। और मोदी जी का ये भी कहना था कि सबका विकास, तो देख सकते हैं कि आप क्या विश्वासघात हो रहा है इनके साथ में। बस बन गया। इस कानून को लेकर देश के अंदर कई जगहों पर लाखों लोग है ना, जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगभग 42 के करीब रिट पिटीशन डाली गई है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट भी है वो इस मामले को डिले कर रही है। कहीं ना कहीं हम ये समझ लें कि इसके अंदर भी जो है गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो ये गवर्नमेंट ने ये जो कानून बनाई है NRC, CA और NPR, इसके अंदर जो है आर्टिकल 14 का ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं। आर्टिकल 14 के बारे में आपको बता देते हैं। आर्टिकल 14 जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, तो उसके अंदर यानी कि सारे रिलीजन को एक समान का हक देने की बात की है आर्टिकल 14 के अंदर। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो ये कानून बनाया है, तो इसके अंदर आर्टिकल 14 का जो उल्लंघन है, इसकी वजह से लोग काफ़ी नाराज़ हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से हज़ारों की तादाद में औरतें बैठी हुई हैं। हरविंदर सिंह खालसा जी हमारे साथ में मौजूद है, जो यहाँ पे जो प्रोटेस्टर लोग थे उनको एक क्या देने आए थे, समर्थन देने आए थे। तो क्या लगता है आपको, ये मतलब NRCC, NPR कानून बनाया गया ये गलत है? ये बहुत बड़ी शादी है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये जो कानून है सिटीजनशिप से संबंधित है। सिटीजनशिप देने वाले कानून तो पहले ही मौजूद है, नए बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अब दूसरा बात, जो असम में इन्होंने NRC के रूप में जो NRC किया है, इसमें 19 लाख लोग आए हैं, उसमें 5 लाख लोग मुसलमान हैं, बाकी के लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं, इन लोगों को अभी सीधा बांग्लादेशी मान करके डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। अब उन लोगों का ये असल में तरीका ऐसे है, जो मैंने समझा है कि EVM के हाथ दस्ते से चुनकर आने वाली सरकारों ने नागरिकों का वोट छीनने के लिए, वोट का अधिकार समाप्त करने के लिए इन्होंने NRC किया। ये सीधी सीधी बात है, क्योंकि जो लोग NRC की जद में आ जाएंगे, जो लोग ये पेपर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, वो सीधे सीधे उसको वोट का हक छीना जाएगा, वोट का हक छीना जाएगा, रोजगार का हक छीना जाएगा, और बाद में उन्हीं को इस देश का नागरिक बनाने के लिए आप CA लेकर आए हो। तो ये एक साजिश है, पहले तो नागरिकता रद्द करो, फिर उनको कंडीशनल नागरिकता दे देकर अपना देश का नागरिक बना लो, मतलब वर्क परमिट दो। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, और ये कहा जा रहा था कि पूरे भारत भर में लागू होगी। तो भारत भर में तो आप लोग पेपर मांग रहे हो, जिस वोट से हमने आपको चुनकर भेजा उसी वोट से आप हमको हमारे खिलाफ और कानून बना रहे हो, तो ये न्याय वाली बात नहीं है। इन लोगों ने क्या किया है, अब इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पेपर नहीं हो गए, कितने आदिवासी हैं, कितने करोड़ों आदिवासी हैं, वो कौन सा पेपर देके अपने आप को भारत का नागरिक करते हैं?
अच्छा मोदी जी ने अपने इलेक्शन में कहा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो क्या लग रहा है मतलब ये विकास हो रहा है ये विश्वास? विकास की बात करने वालों ने उल्टा विकास के रास्ते में रोड़े ही हटे हैं। मोदी जी ने पुतलों का विकास किया है, मोदी जी तो 15 लाख देने वाले थे, फिर वो खुद ही कह देते कि हम लोग जुमलेबाज हैं। तो उनके विकास की बातों का हाँ जुमलेबाजी उनकी सिद्ध हो चुकी है कि जुमलेबाजी में विकास जरूर हुआ है और जुमलेबाजी देने में ये लोग मास्टर हैं। अच्छा सर, ये जो कानून इन्होंने बनाया है इसके अंदर आर्टिकल 14 का उल्लंघन सीधा सीधा, क्योंकि आर्टिकल 14 संविधान का हिस्सा और उसमें ये है कि सब लोग एक समान है सारे रिलीजन, और ये लोग जो ये कानून बनाए हैं इसके अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन यानी कि मुस्लिम रिलीजन को इन्होंने टारगेट किया है, बाकी सारे लोगों को ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर नागरिकता दे देंगे, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं मतलब ये चीज रिलीजन के बेस पे ये मोदी जी मतलब अनसेक्युलर दिख रहे हैं क्या? ये बात ऐसी है कि मुसलमानों का इन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया है, कभी बीजेपी के रूप में कभी कांग्रेस के रूप में, और जब भी इनको अपनी वोट के लिए दूसरे लोगों को संगठित करना होता था SC ST OBC के लोगों को, ये मुसलमानों का या पाकिस्तान का डर दिखाते हैं। तो इन्होंने असल में मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया में उसने IT सेल बना करके इन्होंने समाज में सोशल फैब्रिक जो है, जो भाईचारे की फैब्रिक है, उसको तोड़ने का काम किया है, जोड़ने का काम नहीं किया है। तो ये जो है इन्होंने किसी का भी भला नहीं किया, ये धर्म के नाम पर हमको आपस में लड़ाते हैं, लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये लोग जो है बिल्कुल भी सेकुलर नहीं है, ये पहले आप लोगों को सिर्फ मुसलमानों का डर दिखा रहे हैं, लेकिन असल में है कि मुसलमानों के बाद ये बोल रहे हैं कि अब ईसाइयों का नंबर आना चाहिए, ईसाइयों को बाहर भेजना चाहिए, ईसाई मुसलमान को देश से बाहर निकालना चाहिए, फिर ये बोलेंगे कि सिखों को निकालो, फिर ये बोलेंगे बुद्धिस्टों को निकालो, तो बारी बारी से ये सबका नंबर लगाएंगे और लोगों को आपस में एक दूसरे को मुसलमानों के नाम से डराते हैं। ये सीधी बात है, बीजेपी के कई नेताओं ने ना अपने भाषणों में ये कहा है कि अभी गोलियां चल गई, गोलियां चल भी गई जैसे कि राजधानी चल गई है बहुत जगह पर, तो कहीं ना कहीं ये मतलब हिंसा के ऊपर उतर आए ऐसा लग रहा है? जब बिल्कुल नंगे हो जाए, जब इनके मनसूबे नंगे हो चुके हैं, मरता क्या ना करता, और डर इनका मेन हथियार है कि फियर इज द की, लोगों के मन में डर बैठा दो और डरा कर उनको उनके हक न मांगे, लोग डर कर पीछे हट जाए, ये लोगों को डरा कर के ही मजबूत कर रहे हैं कि लोग अपने हक मांगे ना, और लोगों को एंटी नेशनल घोषित करके बाकी लोगों को राष्ट्रवादी घोषित कर रहे हैं। तो अब राष्ट्रवाद क्या है ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। अभी ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए लास्ट आपका ये मेरा सवाल है? मेरे तो लोग तो अपने संविधान सम्मत तरीके से अपने हक मांगने के लिए सड़कों से आ चुके हैं, पूरा देश में उतर आए। मैं चाहता हूँ कि जो लोग सरकार में हैं वो लोग सुधर जाएं, वो लोग अपनी चालबाजियों को छोड़ दें और सीधे सीधे इस देश पर राज करना है तो ढंग से करें, इस देश के विकास के लिए करें, न कि इस देश को आपस में लड़ा करके उलझा करके लोगों में पढ़ाई छीन कर, रोजगार छीन कर, सरकारी कंपनियां बेच करके, इस देश को बेच करके, मैं देश नहीं बिकने दूंगा नारा था, और आज कौन सी ऐसी कंपनी है इंडियन ऑयल या ONGC या एयर इंडिया जिसको ये लोग बेच नहीं रहे, BSNL बेच रहे हैं, MTNL बेच रहे हैं, तो ये हर चीज़ का निजीकरण कर रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये एयर इंडिया को बेच करके 100 हवाई अड्डे बनाने का ऐलान कर रहे हैं, मतलब जो एयर इंडिया खरीदेगा उसके लिए ये सैकड़ों हवाई जहाज क्यों बनाएंगे, हवाई अड्डे क्यों बनाएंगे, मतलब एक तो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरा मोनोटोनी मतलब एक ही पार्टी का राज जिसको अपन जैसे हिटलर राज करता था वैसे ही कार बेच के कार इंतजाम कर रहे हैं।
और हमारे साथ में एक हिंदू भाई मौजूद है, क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक बहादुर है। अंजाम जो है अखंडता है खंडित करने वाला है, धर्म धर्म में जात जात में बांटने वाला है। अगर ऐसा हो जाता है हमारे देश की जो खूबसूरती है, जो हम मिलजुल कर रहते हैं, उसमें विघ्न आ जाएगा। तो ये बात सही नहीं है। हम लोग यहाँ सपोर्ट करने आए हैं कि NRC और CAA लागू ना हो। किसी की इन्होंने जो सालों साल से जहर भरा है हिंदू का, जहर निकल के सामने बच्चे चले, बच्चे मतलब नाबालिग नहीं समझदार है, फिर भी किसी इंसान पर अगर इस तरह की जहर भरा जाए, हिंदू है हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो इस तरह के लोग बाहर आना बोली चलाना बिल्कुल होगा। ऐसा अपने बाहर निकल रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबको समझने की जरूरत है कि इन लोगों के इरादे गलत है, गलत इरादों से ये लोग हमारे में जहर भर रहे हैं, और उस बात को हमको समझना चाहिए कि इनको अपने इरादों में सफल होने नहीं देना चाहिए। बट ये हो रहा है, बदकिस्मत ये आज वो दो लोग जो है नहीं कि इन्होंने हारी है या उन्हें हायर किया है, ऐसे कई लोग इन्होंने तैयार करके रखे इंडिया में, जिनको सपोर्ट करते हैं, हिंदू को सपोर्ट करते हैं, और भूल जाते हैं कि हम हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं, सबसे पहले हम इंडियन है, हम मानव है, और हमारा सबसे बड़ा धर्म है मानव। तो ये जहर इनका काम कर रहा है, ये सालों से भटक रहा है। ठीक है, शुक्रिया।